जिल्हाभरच्या खासदार, बीड जिल्ह्याच्या डॉक्टर प्रीतमताई मुंडे, राज्यसभा खासदार डॉक्टर भागवतजी कराड, शहर अध्यक्ष संजयजी केमेकर, सुदेश महाराष्ट्र सरकार की मैं तीव्र निंदा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के आरक्षण, राज्य के आरक्षण के, स्थानीय स्वराज्य संस्था के आरक्षण के निर्णय के माध्यम से बहुत घोर अन्याय महाराष्ट्र सरकार की वजह से आज ओबीसी समुदाय पर हो रहा है। सम्मानी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अवधि दिया, बहुत बार मौका दिया, फिर भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी जो बात है वो सही तरीके से ना रखने की वजह से आज ओबीसी पे अन्याय हुआ है। इस पर हम बहुत जोर से आवाज़ उठाएंगे और इस अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र सरकार अपनी मंत्रिमंडल की एक उपसमिति गठित करे और उसमें जल्दी से जल्दी ये निर्णय करके ओबीसी की समुदाय को दिलासा देने का काम करे, ये हमारी मांग है। आपने इशारा दिया है इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन होकर फायदा क्या, अगर हमारा पूरी तरह से ओबीसी का आरक्षण यहाँ रद्द कर दिया है, यहाँ इस राज्य में मराठा समाज घोर निराशा में है, ऐसे जिसमें चुनाव लेने का कारण क्या है? चुनाव में सामान्य व्यक्ति को भी चुनाव लड़ा दिया जाए, सामान्य समाज के व्यक्ति को भी मौका मिले, इसलिए ये आरक्षण का पूरा प्रयोजन था। और ये आरक्षण में सरकार ने निराशाजनक काम कर हमारे लोगों के इस मन में प्रश्न चिन्ह निर्माण किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ लोगों को निराशा है और ये चुनाव होकर कुछ फायदा नहीं है। लोगों को चुनाव के पहले न्याय देना चाहिए। मुस्लिम समाज भी कई वर्षों से मांग कर रहा है आरक्षण की, मुस्लिम समाज भी मांगा से, इस पर क्या भूमिका? थोड़ा आगे ले लीजिए। समाज के ऊपर आरक्षण देने की भूमिका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मुस्लिम समाज में जो एसटी है, जो ओबीसी है, उनको आरक्षण दे, धर्म के ऊपर आरक्षण देने की हमारे यहाँ भूमिका नहीं है। इस पर मुस्लिम समाज में जो पिछड़े हुए हैं, वो जाति के